नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के आई टेस्ट के ऊपर। कितना आई विजन चाहिए, क्या आई पावर होती है, हम स्पेक्टिकल्स अपना चश्मा पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, और मेडिकल के दौरान हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सो गाइज, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और ये 6 वीडियोज जो कि हिस्ट्री और जियोग्राफी से रिलेटेड हैं वो देखना तो बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज, वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि आई विजन क्या होना चाहिए और कितने पावर तक का हम चश्मा यूज कर सकते हैं एसएससी जीडी में, या फिर चश्मा यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और साथ ही हम समझेंगे जो मेडिकल प्रोसीजर होता है, किस टाइप से आपकी आंखों का मेडिकल होगा उसको भी देखेंगे। तो चलिए गाइज समझते हैं। एसएससी जीडी जो कि ग्राउंड ड्यूटी की पोस्ट होती हैं, वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको इसमें काम करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि 10th पास से आप फॉर्म भर सकते हो और इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। बाकी उसके बाद अब आपकी जो फिजिकल की प्रोसेस है वो हो जाती है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से हम आज डिस्कस करेंगे सिर्फ आई टेस्ट के ऊपर। तो गाइस, टोटल 3 टाइप के आई टेस्ट होते हैं आपके। पहले आपकी जो पास की नज़र है उसका टेस्ट होगा, फिर दूर की नज़र है उसका टेस्ट होगा, फिर जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है उसका टेस्ट होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि जो हमारी आंखों का पास का टेस्ट होता है वो कैसे होता है, यानी पास की जो नज़र होती है उसका टेस्ट कैसे लिया जाता है। तो उसमें कुछ नहीं होगा, सिंपली आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें कुछ पैराग्राफ लिखे होंगे, वो हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा में हो सकते हैं। आपसे कुछ 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पे आपको पेपर पकड़ाया जाएगा, फिर आपसे कहेंगे कि इसको पढ़ो, तो आपको पढ़ के सुनाना है। एंड अगर आप उसको पढ़ देते हो और कोई भी दिक्कत नहीं आती, हर कोई पढ़ देता है, एंड जिसको हाइपरमेट्रोपिया है वो उसको थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आप पढ़ सकते हो। अब जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है आपकी कलर ब्लाइंडनेस, यानी इसमें क्या होता है, आपके सामने एक बुक दी जाएगी, उसमें कुछ डॉटेज लाइन होगी अलग अलग कलर्स की, उसमें से आपको देखना है कौन सा अक्षर छिपा हुआ है। एंड यहाँ भी वो बुक आपसे सिर्फ 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी जाएगी। एंड अगर आप इसको पढ़ लेते हो और अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप मेडिकली फिट हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब हम तीसरे पे डिस्कस करते हैं कि जो तीसरी चीज़ है जिसमें आपकी दूर की नज़र टेस्ट की जाती है, तो वो कैसे की जाती है, क्या प्रोसीजर रहता है। एंड ये टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें आपके मायोपिया को टेस्ट किया जाता है। एंड सबसे पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब दे देता हूँ, क्या आप इस मेडिकल के दौरान स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा वियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आप फिजिकल में चश्मा पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल में चश्मा पहने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका आईज का मेडिकल होगा तब आपको चश्मा रिमूव करना पड़ेगा। एंड आपको जो आईज का मेडिकल है, आई का टेस्ट है, वो नेक्ड आईज में ही देना पड़ेगा। एंड अब देख लेते हैं कि ये टेस्ट एक्चुअली में होता कैसे है। तो एक चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ही चार्ट आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसमें नीचे से छोटे अक्षरों से शुरू करके आपको बड़े बड़े अक्षर दे दिए जाएंगे, फिर आपको इनमें से एक पढ़ने पड़ेंगे। अब वो कौन से अक्षर हैं, वो कौन सी लाइन हैं जो इसमें से आपको पढ़नी पड़ेगी, तो आपको फोकस देना है नीचे की दो लाइन पर। अब नीचे की दो लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन के ऊपर लिखा है 6 नंबर और दूसरी लाइन के ऊपर लिखा है 9 नंबर, इसका मतलब क्या है। तो 6 नंबर का मतलब है कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको 6 मीटर की दूरी से पढ़ सकता है, और दूसरी जो लाइन है इससे ऊपर की, उसके ऊपर लिखा है 9, इसका मतलब है कोई भी नॉर्मल पर्सन इसको 9 मीटर की दूरी से पढ़ सकता है। अब आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, जो स्टार्टिंग की जो लाइन है, जो बड़ा ए बना हुआ है, वहाँ से पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको नीचे की दो लाइन भी पूरी पढ़नी पड़ेंगी। सो जो सबसे नीचे की लाइन है उसका मतलब होता है 6x6 की आई साइट, और इससे ऊपर की लाइन है उसका मतलब होता है 6x9 की आई साइट, जो कि एसएससी जीडी में अलाउड है। एसएससी जीडी में 6x6 से लेके 6x9 तक ही अलाउड है, यानी आपको मिनिमम 6 मीटर की दूरी से ये नीचे की दो लाइन तो एटलीस्ट पढ़नी ही पड़ेंगी, नहीं तो आप मेडिकल आउट हो जाओगे। अब आप लोगों का सवाल ये रहता है कि ये जो 6x6 है और 6x9 है, इसमें जो चश्मे का नंबर है वो कितने से कितने तक रहता है। तो ये दोनों जो विजन है 6x6 और 6x9 के, ये नॉर्मल विजन होते हैं। 6x9 में 6x6 से बस थोड़ा सा ही अंतर होता है,
और अगर मैं इसको आपके चश्मे की पावर के हिसाब से बताना चाहूँ तो 0.25 से लेके 0.50 डायोप्टर तक इसकी जो पावर होती है वो रहती है। सो गाइज, ये थी पूरी प्रोसेस आई टेस्ट की जो SSC GD के दौरान आपका लिया जाता है। एंड मैंने अपने हिसाब से बताने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और भी आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो और वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड की हैं।